वीडियो स्टार्ट हो रही है, एक मिनट, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है रिसर्च करना, ये इसका काम है, तो वो मैं बुला के लाता हूँ उसको। हाँ हाँ जा रहा हूँ, करते। तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और हाँ, तुमने जिसको पहले देखा वो था गामा वॉइड और मैं हूँ वॉइड। यस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और आज करेंगे अपडेट्स जो भी आए हैं D23 एक्सपो में। तुम्हें नहीं पता है तो डिज्नी का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो अपडेट्स देते हैं हमें सारे नए प्रोजेक्ट्स से जो आने वाले हैं। तो हाँ, उन्हीं में से कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं और कुछ के ट्रेलर्स भी आए हैं, वो तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लीक्ड वर्जन में अवेलेबल है। अगर तुम्हें देखने तो यूट्यूब पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैंने भी एक दो देख ली, बट ज़्यादातर मेजर जो चीज़ें हैं वो नहीं देखने को मिली। बट भाई आया है, अपडेट करके जाएगा सारी चीज़ों पर। तो मेजर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर जल्दी जल्दी से बात करते हैं और कौन सी क्या रिलीज डेट है सबके बारे में बात करनी। तो अगर तुम्हें नहीं पता, सबसे पहली सीरीज जो अच्छी होने वाली है मार्वल यूनिवर्स में वो होगी मार्च 2025 में आने वाली डेयर डेविल बॉर्न अगेन, जो एक फ्रेश स्टार्ट होगी एमसीयू में डेयर डेविल की, क्योंकि इससे पहले आपने जो नेटफ्लिक्स वाला डेयर डेविल देख रखा वो अलग स्टोरी कैरी करता है, बट ये उसी का वर्जन है जो कि मार्वल अपने यूनिवर्स में लाएगा। तो हाँ, एक तरीके से नया कैरेक्टर मान लो, अगर जिसने भी नहीं देखा है डेयर डेविल तो ये नया होने वाला है। तो मैं जैसे कि पता ही है कि किंग पिन आने वाला है इस सीरीज में, मैड मॉडॉक जो कि डेयर डेविल खुद बनता है वो, और पनिशर वो भी आने वाला है। तो हाँ, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद है, जिन लोगों ने पनिशर देख रखा है वो बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट है उनका, नेटफ्लिक्स वाला देख रखा है, तो हाँ वो रिटर्न कर रहा है और वो सेम टारगेट को लेकर चल रहे हैं दोनों के, एक को पिन है जो कि होगा किंग पिन ऑब्वियसली। और इसके बाद आएगी जुलाई 26 को 2025 में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें तुम्हें पता सैमुअल जैक्सन क्या कैप्टन अमेरिका बन पाएंगे, उसी पे पूरी बातचीत चलेगी। जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चलेगी क्योंकि एडमेंटियम जो कि सबसे बढ़िया मेटल है, जो कि वुल्वरीन के क्लॉज जैसे बने हैं, वो मेटल अब एक जाइंट ओशन के बीच में एक जो इटर्नल्स का पापा है उससे मिलेगा मेटल। हाँ, तुम्हें चीप भाषा में यही समझा दिया, बट हाँ है एक तरीके से है वो टर्मिनल का पापा, वो एक मैं तो पापा हूँ जैक यादव। और उस मूवी की जो सबसे खास बात है वो तुम सबको पता है कि रेड हल्क ब्रूस बैनर का सबसे बढ़िया दुश्मन जो कि हो सकता है रेड हल्क आ रहा है, तो थंडरबोल्ट रॉस जो है वो रेड हल्क बनेंगे। और इसमें एक ट्रेलर भी दिखाया गया जिसमें हमें बताया जाता है कि जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ शूटिंग वाली बातचीत हुई हुई उसी तरीके से जब स्पीच दे रहे होते हैं थंडरबोल्ट रॉस उनके साथ होता है और उसके बाद वो एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं रेड हल्क। तो अब सबको पता है कि रेड हल्क कौन है आयरन मैन के बाद, सबको पता है कि रेड हल्क की आइडेंटिटी किसी से छुपी नहीं। तो अगली मूवी जो आने वाली है नवंबर 7 को आएगी वो 2025 में, जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर न्यू स्टेप। तो मतलब इस चीज़ का बहुत लोगों को बहुत शुरुआत से इंतजार है क्योंकि अगर तुम्हें कॉमिक्स के हिसाब से बताया जाए तो कॉमिक्स बुक में जो एवेंजर्स और एक्समैन है वो आए थे फैंटास्टिक फोर की टीम के बारे में। तो हाँ, पहली फैमिली वापस से आ रही है, मार्वल शुरुआत में आ रही है क्योंकि इससे पहले जितने भी अडेप्टेशन हुए बहुत बकवास गए या किसी लोगों ने इतना पसंद नहीं किया इसलिए उन्हें शेल्फ करना पड़ा। तो हाँ, इस बार ऐसा कुछ ना हो उम्मीद तो ये नहीं होगा वैसे, क्योंकि गैलेक्टस आ रहा है और वो जो एक शॉट है ना लीक करे ट्रेलर में, भाई मजा आ रहा है उसको देख के मजा आ रहा है। अगली सीरीज है उसका नाम है अलगाथा और जो इसका ट्रेलर भी आ चुका है और मैं पर्सनली इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूँ सीधी साफ बात, मुझे नहीं पता क्यों बनाई जा रही है सीरीज। तो मैं अगर सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं बता दूँ, अलगाथा एक कैरेक्टर थी वांडाविजन टीवी सीरीज में, अगर तुमने टीवी सीरीज देखी तो उसमें एक चुड़ैल थी जिसकी पावर ले ली थी वांडा ने और वो पावरफुल हो गई थी। अब जो ये चुड़ैल है इसके पास अपनी शक्तियाँ चली गई हैं, अब इसे एक कुछ रिचुअल या कुछ एक जगह पे जाना होगा पवित्र करने को वापस से अपने आप की शक्तियाँ लेने को। तो हाँ, तो उसी जर्नी पे बेस्ड होने वाली है ये पूरी सीरीज, ट्रेलर से यही पता चल रहा है, पर्सनली मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। अब नेक्स्ट अपडेट पर बात करते हैं। तो अगला जो ट्रेलर दिखाया गया वो है आयरन हार्ट नहीं तुम जानते तो तुमने अगर ब्लैक विडो 2 देखी हो उसमें रीरी विलियम्स जो MIT में पढ़ती थी अब वो MIT से निकाल दी गई है कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से, जो कि मूवी में पता चलता है। अगर तुमने मूवी देखी थी ब्लैक पैंथर 2 उसमें दिखाया गया कि उसके पास एक सूट होता है वो अब वापस ले लिया गया है क्योंकि ब्लैक पैंथर के लोग चाहते हैं कि एक ही ब्लैक को पावर मिले, थोड़ा रेसिस्ट हो रहा हूँ। हाँ, तो ब्लैक पैंथर में लास्ट में वो सूट उससे वापस ले लिया गया है रीरी विलियम्स से, अब उसे खुद बनाना है और उसमें एक बंदा आता है उसकी हेल्प करने जिसका नाम है दी हुड और वो कॉमिक्स में एक विलन टाइप कैरेक्टर है, इस मूवी में भी सेम ही रहने वाला है। तो देखना अच्छा होगा कि
कैसा निकलता है ये दी हुड। इसके रोलिंग्स हैं वो बहुत ऊपर के विलन से भी, जिसका नाम मेफिस्टो है, और मेफिस्टो को जानना जाओगे तो एक मेफिस्टो एक तरीके से डेविल का दूसरा रोल है जो कि रूल करता है अंडरवर्ल्ड। बात आ जाते हैं डिज्नी और पिक्सार के कुछ नए कैरेक्टर्स या एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में कि क्या होने वाला है उनका। तो इसमें सबसे पहले एक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका नाम है स्नो वाइट। हाँ, प्रिंसेस स्नो वाइट की बातचीत हो रही है, पर कैसी वो मूवी सीरीज होने वाली है उसमें मेरे को एक्ट्रेस जो स्नो वाइट बनी है इतनी कुछ खास नहीं लग रही, बट विलन कहना पड़ेगा गल गल और कुछ गलती करने वाली है, लोगों के दिल तबाह होने वाले, योगी भाई हो चुके हैं और लोग मुझे देखते हैं कैसे ऐसे होंगे। की तरफ से दिसंबर 19, 2025 को आएगी अवतार फायर एंड एश, नहीं एश कैशम नहीं आएगा इसमें, इसमें वॉल्केनिक एरप्शन दिखाया जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मैंने एक भी मूवी नहीं देखी अवतार की, तो तुम मेरे को भर भर के गाली दे सकते हो, मुझे बताया, आई एम सॉरी। और डिज्नी के पैनल में बताया गया कि वो टॉय स्टोरी 5 पे भी काम कर रहे हैं, और इसका सीधा सीधा जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि पेरेंट्स या बच्चे जब वो टेक के साथ खेलने लग जाते हैं तो वो अपने असली खिलौनों को भूल जाते हैं, ये उस पर बेस बनना है। नवंबर 27, 2024 में आपको मुआना 2 का हसीन नज़ारे दिखाए जाएंगे सिनेमा में, आपको कैसी लगी वो आप देख के बता सकते हैं, बट पर्सनली मैंने मुआना 1 भी देखी तो मैं जानता नहीं कैरेक्टर्स के बारे में, फैमिली नहीं है, सॉरी। तो यही थे आज के सारे अपडेट, अगर अपडेट्स पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब कमेंट जो भी बातचीत तुम्हें करनी हो कमेंट सेक्शन में आगे कर सकते हो, और मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम चालू करने की अपने दूसरे चैनल पे, उस पर बकैती करा करेंगे। तो हाँ, आज की वीडियो इतनी थी, अगली वीडियो में मिलता हूँ नए अपडेट्स के साथ, और आज का सुपर सैटरडे स्पॉटलाइट इतना ही था, अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर दुरुस्त रहना और मचाते रहना, क्योंकि सुपरमैन बनना है तो थोड़ी पावर्स भी लानी पड़ेंगी, और अगर स्पाइडरमैन बनना है तो चाचू वो होना पड़ेगा, सॉरी टू से, तभी तो ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। अगर तुम स्पाइडरमैन बनना चाहते हो तो चाचू चाची को होने के लिए तैयार हो जाओ। बाय बाय।